हाँ दोस्तों, वेलकम टू द सवाल यूट्यूब चैनल। आज का मैं वीडियो टॉपिक है कि आप पैट फिश या गोल्ड फिश कोई भी अपने को पर्टिकुलर फिश अपने कमें क्योर कर सकते हैं जो सोडियो फिशा मर रही वा तुम फिश लेके आने शॉप तो एक महीना भी सोडे को नहीं कट पाओ एक महीने के बच्चों फिशा मर जाए का तो मर जाए की कारण मरते जो मर दें तो मर दें उन्होंने आप बचा कमें सकते हैं की आपको प्रिकॉशन लेनिया चाहिए वा अज की वीडियो बच्चे आप डिस्कस करेंगे। चलो आयो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे सबसक्राइबर हो मैं की गलतियां कितिया आपकी हॉबी के जो मेरिया पुरानी वीडियोस भी देखी जो मेरे सबसक्राइबर हो देख मेरे को टाइगर ऑस्कर फिश हो गई मेरे को मिनिमम फोर कहीं मैं सिक्स मेरे को टाइगर फिश हो गई वन बाय वन अपन सारिया और टाइगर ऑस्कर फिशा मर गई वा तो अपन दोनों पैट फिशा भी फंगल डिसीज की प्रॉब्लम आ गई सी अपन ये दोनों पैट फिशा भी मरण के कगार से आ गई सी। मैं लिटरली मैनू भी हो गया सी नहीं यार अपन दोनों पैट फिशा भी हम बच दया नहीं भी मर जाएगियां हम तुम देख सकते दोनों सेफ से हैप्पी आ बस जी एक पैट फिश ज्यादा प्रॉब्लम हो गई सी ओरी स्किन हजे थोड़ी जी डल झड़ी जी हुई हौली हौली रिकवर हो जाऊ प्रॉब्लम हम कोई नहीं हैगी दोनों फिशा हैप्पीली फूड खा रही वा बस इन्हों की थोड़ी जी आदती होंगी पैट फिशा की लौके जे रहने एक फिल्टर पिछे लुकी हुई है कि अपने मटके पिछे हम आप ज्यादा टाइम नहीं खराब करते आप मैं सुन दसदा मैं दोनों पैट फिशा की जान कमें बचाई जो अब फिश की जान कमें बचा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोडे को यार ये फोर थ्री मेडिसन है ये थ्री मेडिसन सोडे को होनी चाहिए मैं तुम उत्ते देख सकते हो मेरे को अपने को थ्री मेडिसन पर सोडे को होनी चाहिए ओरिजिनल तो कंपनी की मैनू इन्हों की जान बचाने 12 डेज लग चुके 12 डेज लग गए थे मेरिया फिशा ने 10 डेज के क्योर हो गई सी अपनी पैट फिश टेंथ दे जाके अपनी पैट फिश फूड खान लग गई सी उदो मैं जाके शांति जी मिली मन च कि नहीं यार अपनी हम पैट फिश सेफ आज दो दिन होर हो चुके हैं 13 डे आ अपनी पैट फिश जमा सेफ से हैल्दी है कोई अपनी पैट फिश प्रॉब्लम अपनी दूजी पैट फिश भी हम जमा सेफ आ मैं यूज की जे मान लो थोड़ी कोई भी फिश वाइट स्पॉट्स आह ब्लड लाइनस आ जाए फिश के फैदर तो वो वास्ते अपनी फिश न सही कर सकते हो आह रेड आल की एंटी ईच न पर बेशक ओरिजिनल बॉटल होनी चाहिए ये बॉटल जमा ओरिजिनल आ रेड आल की यह हैगी मेरे को एक सोडे को होनी चाहिए मेडिसिन रेड आल की एंटी फंगस ये फेक मेडिसन पर यह मेडिसन ने जान बचाती अपनी पैट फिश ये कम कर दया वा ये ही अपना एक्सपैरीमेंट भी हो गया कि फेक फेक मेडिसन वर्क कर दया कि नहीं कर दया है वा यह फेक मेडिसन है एंटी फंगस मेरे को फुल बॉटल सी मैं जमा लिटरली खत्म करती ये हम मिनीम इन्नी क बॉटल रह गई है इत तक सी इन्नी क रहेगी बस हम एक रेड आल की जरनल एड मेडिसन ये भी सोडे को फिश मान लो तुम कोई शॉप तो लैके आए हो फिश माड़ी मोटी कोई सट फेट लगी हुई है जो फिश तो कोई तो ब्लड आ रहा है कोई होर माड़ी मोटी उन्होंने की प्रॉब्लम आदि यह जरनल एड मेडिसन का यूज करके अभी फिश क्योर कर सकते हो। ये जी होंगी एंटीच मेडिसन जो फिश कोई वाइट स्पॉट को होर भी कोई भी डिसीज लक्षण जो माड़े मोटे लगते हैं ये यूज कर सकते हो वाटर चेंज करते हो कदों भी आते एक्वेरियम का जो मान लो वह मंथ में मान लो टू टू थ्री टाइम वाटर चेंज करते हो मंथ में वन टाइम आपके वाटर में थ्री फोर ड्रॉप्स ये एंटी ईच मेडिसन यूज कर सकते हो टू टू थ्री ड्रॉप्स इन्हें की होंगे वा जिन्हें भी हार्मफुल पैरासाइट्स होंगे किल हो जाते हैं जो सोडी फिश कोई मेजर प्रॉब्लम होगी जमें कि फंगल डिसीज होगी जी प्रॉब्लम मेरी आह सारिया टाइगर ऑस्कर फिशा मर चुकी वा थोड़ी फिश एक थान बैठी रही स्विम पुट्ठा होके करती है जिन्हें उत्ते पिक्चर से दे सकते हो फिशन जो ये कोई भी प्रॉब्लम्स आदि वा तुम एंटी फंगल मेडिसन का यूज कर सकते हो। हम मैं अपनी पैट फिशा की जान कमें बचाई हम अपन सारिया फिशा एक तरह दिन खत्म हो गई सी मेरे को सिर्फ टू पैट फिशा रह गई सी ये भी लिटरली मरण के करदार से मैं फिर इन्होंने इन्होंने हॉस्पिटल टैंक च नहीं शिफ्ट किया है मैं इन्हों मेन टैंक के ट्रीटमेंट करना शुरू करता मैं ओवरडोसिंग की अभी आह एंटी फंगल मेडिसन की भी एंटी एंटी ईच मेडिसन की मेरे को एक बॉटल सी आह एंटी ईच की फेक बॉटल लिटरली मैं सारी बॉटल खत्म करती है ये भी आह बॉटल भी थोड़ी जी इन्नी मैं खत्म कर चुकी इन्नी बॉटल इतने तक रह गई दवाई इन्नी दवाई रह गई अपने को
ओवर डोसिंग करन दे नाल ही अपनो फिशां दी जान बच गई, खत्म तां ओह सीगी ही, हुण एक तरह दा आपां उहनां नूं बचाउण दी जरूरत सीगी वी। आपां इस लई एंटी आ गई इहनां दा ओवर डोसिंग नाल मैं दीआं फिशां दी जान बचाउण च कामयाब रहा। मैं 10 days दे विच विच मैं अद्धे एक्वेरियम दा 3 times वाटर चेंज कीता। 3 times, फर्स्ट ऑफ ऑल जिहदा मैं पहले दिन आदि पैट फिशां नूं आ तिन्ने मेडिसिन पाईआं, बट मैं हजे अपना रॉक सॉल्ट हुंदा वत पिक्चर तुसीं देख सकदे हो, रॉक सॉल्ट वी इहदे विच मैं दो मुठियां इहदे विच आपां जिवें कि मुठ्ठी हुंदी आ दो मुठियां भर के इहदे विच मारियां, उहदे नाल कि उहनां नूं एनर्जी मिल जाए। नमक नाल, नमक हार्मफुल ही हुंदा, जिवें कि पैट फिश अपनी देख सकदे थोड़ी थोड़ी इहदी स्किन उत्तों झड़ी हुई आ स्केल्स, पर नो प्रॉब्लम, कोई वड्डा इशू नहीं हैगा, हौली हौली रिकवर हो जूगी अपनी फिश। ते हुण प्रॉब्लम तो अपनी पैट फिश नूं कोई भी है नहीं गी, बस एक दूजे नाल माड़ा मोटा लड़दियां रहिंदियां। पैट फिशां तुसीं देख सकदे हो उही आ, मैं चेंज नहीं कीतियां हैगियां। जे तुसीं पुराने सब्सक्राइब मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकदे हो, एक फिश अपनी थोड़ी डल सीगी ते दूजी अपनी देखो तुसीं, हुण पैट फिश अपनी जमा सेफ ते हैल्दी। तुहाडी कोई फिश नूं प्रॉब्लम आउंदी यार, तुहाडे कोल इह मेडिसिन होणियां चाहीदियां वा, उहनूं अड शिफ्ट करो मेन टैंक चों कढ के, होस्पिटल टैंक जां बाल्टी च कढ दो। इक तुहाडे कोल एयर पंप होणा चाहीदा वा, इहदे विच मैं एयर पंप नहीं ऐड कीता, इहदे विच तां मैं दा टॉप फिल्टर ही यूज करदा सीगा, पर इह टॉप फिल्टर ही उत्ते वाली पाइप सीगी उह मेरा फिल्टर विच नहीं सीगी, मैं टॉप फिल्टर वाली पाइप नूं कढ के आपां मेन टैंक विच ही लाता सीगा, पानी अपना फिल्टर नहीं हो रहा सी, बस एक रोटेट हो रहा सीगा। बस यार तुहाडे कोल चाहे कोई भी फिश आ, तुहानूं कोई ना टैरा मैसिन दे कैप्सूल हो गए जां होर भी जिन्ने भी कैप्सूल, तुहानूं कोई कैप्सूल यूज करन दी जरूरत नहीं हैगी, बस तुहाडे कोल एक एंटी फंगल मेडिसिन होनी चाहीदी आ। बस अपनी आपां सारे मेजर गलती एक ही करदे आ, जो भी आपां न्यू हॉबीस्ट हुंदे आ, आपां मान लो आपां नूं एक्वेरियम रखण दा चाह, आपां एक्वेरियम शॉप ते चले जांदे आ, उत्थे आ के आपां फिशां देख के कंफ्यूज हो जांदे आ केड़ी फिशां लई, आपां फिशां ले आंदे आ, सारे पैसे आपां फिशां ते खत्म कर दिंदे आ, आपां मेडिसिन नहीं लैंदे। अपनी सब नालों ज्यादा वड्डी गलती इही आ, आपां फिशां ले आंदे आ, ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 rupees ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 3 bottles, ਇਹ ਨਾਲ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਬੋਟਲਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 1000 rupees ਕੱਲੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 1000 rupees ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਫੰਗਸ ਦੀ, ਇਹਦੀ MRP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ 280 ਜਾਂ 250 ਦੀ ਬੋਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਟਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 120 rupees ਦੀ ਐਂਟੀ ਈਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਟਲ ਆਪਣੀ 120 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਟਲ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਆ, 250 ਜਾਂ 280 rupees ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ। ਇਹ 3 medicines ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਬੀ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਫਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਦਾ ਜਮਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਾਟਰ ਦੇਖੋ ਜਮਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਮਾਂ ਸਾਫ ਵਾਟਰ ਆ ਆਪਣਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ ਆ। ਫਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਸ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪੈਟ ਫਿਸ਼ਾਂ ਸੇਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਾਈਗਰ ਔਸਕਰ ਫਿਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਬੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਸ਼ਾਂ 1 month ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 3 medicines ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਂਕ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕ ਲੈ ਜਾਓ, 1 week ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਸ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਐਂਟੀ ਚ, ਇਹ 2 medicines ਤਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਹੋਬੀ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ 2 medicines ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਰਨਗੀਆਂ, 1 month ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਸ, ਬਾਏ।